दोस्तों हमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अब केएल राहुल हार्दिक पांडे सस्ते में तो नहीं निपटने वाले हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म्ड बात है। और अगर केएल राहुल पर बैन लगा रहता है, जो कि मिनिमम 3 महीने का बैन इन पर होने वाला है, क्योंकि जो इंक्वायरी है वो 3 महीने से पहले खत्म नहीं होने वाली है, इनको ड्यू प्रोसेस के चलते बैन भुगतना होगा, हर स्टेटमेंट के लिए अलग सजा होगी, तो केएल राहुल पर पक्का बैन लगा रहने वाला है और ये आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर केएल राहुल ही रहे हैं और लास्ट ईयर इन्होंने ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था, तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर साफ तौर पर ब्रेंडन मैकुलम यहां से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ब्रेंडन मैकुलम की फॉर्म को देखते हैं तो बिल्कुल शानदार फॉर्म चल रही है आईपीएल से पहले। आपको बता दें, इनके खराब फॉर्म के चलते ही किसी भी टीम ने इन पर पैसा नहीं लगाया था, इन्हें सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब जिस प्रकार से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 3 मैच में लगातार इन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं। पहले 4 मैचेस में तो इनका भी फॉर्म बेकार रहा है, लेकिन इसके बाद जो 3 मैचेस हुए लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं। पहले मैच में 64 रन्स, दूसरे मैच में मेलबर्न ने रेनेगेड्स के खिलाफ ब्रिस्बेन हीट से खेलते हुए 50 रन बनाए, तीसरे मैच जो आज हुआ 13 जनवरी 2019 को 69 रन्स बनाए हैं और मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया है। तो लगातार ब्रिस्बेन हीट के लिए मैचेस जिता रहे हैं और फॉर्म में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो साफ तौर पर केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्रेंडन मैकुलम टीम में वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से आईपीएल 2019 में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से किस प्लेयर के रिप्लेसमेंट के तौर पर किस टीम में ब्रेंडन मैकुलम को खेलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस, इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।